दोस्तों, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्नो वर्ल्ड बाय धीरज। एंड टुडे मैं अनबॉक्सिंग एचपी लेजर जेड प्रो एमएफपी M128FW। ये एक लेजर जेड प्रिंटर है, कॉपियर है, आप इसमें फोटोकॉपी भी कर सकते हैं और ये वायरलेस प्रिंटिंग भी सपोर्ट करता है। तो इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले आउट ऑफ द बॉक्स देखेंगे कंपनी क्या क्लेम कर रही है और फिर इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर किट बॉक्स के बाहर लेजर जेड प्रो एमएफपी M128FW लिखा हुआ है, वायरलेस प्रिंटिंग लिखा हुआ है और बाकी आप इसमें देख सकते हैं फैक्स लिखा हुआ है, प्रिंटिंग लिखी हुई है, स्कैनिंग लिखी हुई है और फोटोकॉपी। अब आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, नीचे लिखा हुआ है, इसमें स्क्रीन आती है, कलर्ड स्क्रीन, इंस्टलाइज हो जाएगा ऑटो ऑन ऑफ में। इंटरनेट नेटवर्किंग लिखा हुआ है, मतलब ये लैन पे भी चल सकता है। ईजी टू आईडी कॉपी, मतलब आईडी के लिए इसने एक स्पेशल फीचर दे रखा है, आप छोटी कॉपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेकेंड आईडी के लिए आपसे पूछेगा। तो ये फीचर भी आता है लगभग काफ़ी प्रिंटर्स में। और जो इसमें कार्टेज लगती है वो 88A लगती है, यहाँ लिखा हुआ है 88A। और बाकी 35 पेज ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट फीडर, इसमें जो स्कैनिंग के लिए जो बना हुआ है वो 35 पेजेस तक ये ले सकता है। बाकी इसमें ये ई प्रिंटिंग सपोर्ट है, अगर आपके पास कोई मोबाइल है, टैबलेट है, तो आप उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी इसकी प्रिंटिंग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, ये मैक ओएस के साथ भी सपोर्ट करता है और विंडोज़ ओएस के साथ भी सपोर्ट करता है, तो ये दोनों में वर्क कर सकता है, विंडोज़ और मैकिंटोश में। हम इसे विंडोज़ के साथ ही इंस्टॉल करके देखेंगे वायरलेस के साथ। एक केबल आई है, यूएसबी केबल, साथ में एक पावर कॉर्ड, एक ये टेलीफोन केबल भी दिए। ये आप देख सकते हैं सीडी आई है, ये कुछ मैनुअल्स हैं, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। साथ में ये वाला भी एक मैनुअल आया प्रॉपर, इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है इंस्टॉलेशन कैसे करनी है आपको, आप इसे देख के कर सकते हैं। दोस्तों, ये एचपी के प्रिंटर की फर्स्ट लुक, फ्रंट लुक आपको दिख रही होगी, मैं साइड लुक भी दिखाता हूँ आपको। साइड से इस तरह से है ये, पहले मैं इसे खोल लेता हूँ टेप्स को। दोस्तों, कार्टेज अंदर लगी भी आई है, थर्माकोल भी है और हम कार्टेज को निकाल लेते हैं ये इस तरह से। और ये भी लॉक है, इसको भी खोल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने लॉक निकाल लिया है कार्टेज का लॉक का, और अभी भी कार्टेज लॉक है, ये खोलना पड़ेगा आपको, ये भी निकालना पड़ेगा तब कार्टेज इंस्टॉल हो जाएगी। तो भी अभी साइड में रखते हैं, मैं पहले आपको पूरी लुक दिखाया था। ये तो फ्रंट लुक है, फिर हम आपको साइड लुक दिखाया था, साइड से ऐसे करेंगे, बैक साइड से लुक दिखाए, ये बैक साइड से लुक है। ये आपको यहाँ पर यूएसबी पोर्ट दिख रहा होगा, ये लैन है, क्योंकि ये लैन पे भी चल सकता है और साथ में इससे फैक्स भी है, तो ये भी इसमें एक फ़ोन की केबल भी बनी हुई है, ये पावर कॉर्ड की। और यहाँ एचपी की ब्रांडिंग तो है ही है, ये आप स्पीकर हटा सकते हैं। आपको कॉन्फिगर यहाँ से करना है, लैन पे चलाना है, नेटवर्क पे प्रिंटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये यूएसबी पोर्ट है और इसमें फ़ोन केबल भी है। पहले मैं आपको स्कैनर दिखाया था, ये देखिए स्कैनिंग के लिए आपको ये मिलेगा एरिया। दोस्तों, ये A4 साइज़ के लिए काफ़ी बड़ा स्कैनर है, आपको आप यहाँ पर कुछ भी स्कैनिंग कर सकते हैं A4 पेज लगा के, तो ये तो एक स्कैनर का ऑप्शन हो गया। दोस्तों, ये स्कैनर यहाँ से भी है, दो स्कैनर हैं, एक तो ये वाला स्कैनर तो मैंने आपको दिखाई दिया था और साथ में ये वाला स्कैनर भी है इसमें। इसमें आप पेजेस यहाँ से रख सकते हैं और ये पेज यहाँ से लेके यहाँ से निकाल देगा, तो ऑटोमेटिक अगर आपको ज़्यादा स्कैनिंग करनी हो पेजेस की तो एक एक दो दो मतलब 10 पेज आप एक साथ लगा सकते हैं, वो एक एक करके इनको लेता रहेगा और यहाँ से बाहर निकालता रहेगा और आपके स्कैन होते रहेंगे पेजेस। तो ये भी एक अच्छी फीचर होता है जो इसके अंदर है, दोनों ही फीचर हैं स्कैनिंग के लिए, ये वाला भी है और ये भी है, तो दोनों ऑप्शन हैं इसमें। ये इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं, ये ऐसे खुल जाएगा, ये देखिए स्क्रीन है इसमें फ्रंट पे, यहाँ बटन है साइड में, इसको प्रेस करने से ऑन हो जाएगा। मैं अभी इसे जब ऑन करूँगा तो मैं आपको प्रॉपर चेक कराऊँगा। दोस्तों, इसको हम ऑन कर लेते हैं, हाँ, प्रिंटर को मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए ऑन कर दिया हमने। दोस्तों, इसमें कलर स्क्रीन है, ये भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है इंस्टलाइज होने में। ये देखिए कलर स्क्रीन आते हैं, इसमें कॉपी का बटन दबा सकते हैं, अगर आप कॉपी का बटन दबाएंगे तो फोटो कॉपी कर देगा, फैक्स का ऑप्शन इसमें है। दोस्तों आपको इसमें वायरलेस प्रिंटर पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, वायरलेस मेन्यू में जाना है, यहाँ पर थोड़ी सी टचिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को टच अच्छा नहीं लग रहा है इसका, बटन बहुत जोर से दबाना पड़ रहा है। आपको वायरलेस पे क्रैक करना है, यहाँ से जाके इसे ऑन करना है और इसको ऑन करना है और ऐसे, और ये पासवर्ड आ जाएगा, ये आप इसे ओके कर लीजिए और इस तरह से आपको इसको ऑन करना है।
मैंने सेटअप ऑलरेडी कर चुका है, तो आपको बस लास्ट में ओके दबाना है तो ये सेटअप हो जाएगा। दोस्तों ये इसकी कार्टेज है, मैंने इसकी सील खोल ली थी और ये आईसी वाली होती है कार्टेज, तो ये देख सकते हैं आप कार्टेज की लुक किस तरह से, और मैं इसको फिट कर रहा हूँ और ये हमारा प्रिंटर स्लाइस करेगा और रेडी हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप फैक्स करना चाहें तो यहाँ से फैक्स कर सकते हैं, फैक्स का बटन दबाएंगे तो आपको सेटिंग करनी पड़ेगी फैक्स की, तो ये सेट हो जाएगा। मेरे पास घर पे फ़ोन लाइन नहीं है तो मैं फैक्स सेट नहीं कर सकता। ट्रबल शूटिंग के लिए ये वाले ऑप्शन है, रिपोर्ट्स निकालनी है, फैक्स सेटअप है, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। आप इसमें लेंस सेटिंग भी कर सकते हैं वायरलेस के अलावा, लेंस सेटिंग में जाके आप इसमें दोनों ऑप्शन है, इसमें लैन भी है दोस्तों, पीछे लैन पोर्ट बना हुआ था तो वहाँ जाके आप आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। दोस्तों मैंने इसे वायरलेसली कनेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको वायरलेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा डायरेक्ट प्रिंटिंग, उसके बाद ये प्रिंटर का यहाँ पर आइकन दिखाएगा और आपको यहाँ पर इसमें कनेक्ट करना है। जो पासवर्ड इसके अंदर यहाँ दिखाएगा वही स्क्रीन पर आपको यहाँ टाइप करना है और ये कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर प्रिंटर इंस्टॉल कर लीजिए आप, और उसके बाद अब जैसे मैं प्रिंटिंग दे रहा हूँ तो ये देखिए प्रिंटिंग आराम से चली जाएगी। ये आ गई देखिए प्रिंटिंग, वायरलेसली प्रिंटिंग कर रहा है, ये प्रॉपर कॉन्फिगर हो गया। अब देखिए मैं इसी को टेस्ट स्कैन कर लेता हूँ, इसमें दोनों ऑप्शन है स्कैनिंग करने के लिए, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ स्कैनिंग करने के लिए। दोस्तों स्कैनिंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो इसमें इंस्टॉल्ड होता है, सीडी के साथ आता है, मैंने वो खोल लिया सॉफ्टवेयर, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फीडर स्कैनर चाहिए या फ्लैट पैड, तो दोनों मैं फीडर यूज़ कर रहा हूँ और स्कैन का मैंने बटन दबा दिया। ये देखिए पेज ऑटोमेटिकली अंदर जा रहे हैं, इस तरह से आप पेज इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, जो जो आपको स्कैन करनी है वो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक स्कैन करता रहेगा। थोड़ी सी साउंड ज़्यादा आती है, जिस टाइम पे मोटर यूज़ होती है तो थोड़ी साउंड ज़्यादा आती है क्योंकि पेज को वो रोटेट कर रही है। हमारा स्कैन हमने कर लिया, स्कैनिंग फ़ोटो आप दिख रही होगी स्क्रीन पे आपको आ गई, तो इस तरह से आप स्कैनिंग कर सकते हैं। फोटोकॉपी के लिए दोस्तों आपको ये वाला बटन दबाना है, मैं थोड़ा सा क्लोजअप कर देता हूँ आपको और इसको, ये देखिए अब आपको क्लोजअप से दिख जाएगा। ये फोटोकॉपी के लिए आपको कॉपी का बटन दबाना है, जैसे मैं इसको अगर कोई आपको पेज रखता हूँ और अगर इसकी फ़ोटो कॉपी करता हूँ, आपको कॉपी का बटन दबाना है, दो करनी है एक करनी है, आप इसको कमांड दे सकते हैं ऐसी तरह से। ये देखिए एक कॉपी हो रही है अब इस टाइम पे, मैंने सिंगल कमांड दी थी। दोस्तों इसके बटन मुझे अच्छे नहीं लगे, बटन क्वालिटी बढ़िया नहीं है, टच करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए फ़ोटो कॉपी आ गई जो हमने पेज यहाँ रखा था, इस तरह से प्रिंट आउट आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका प्रिंट आउट की क्वालिटी अच्छी है, उसमें तो कोई कमी नहीं मुझे नज़र नहीं आई, अच्छी क्वालिटी है प्रिंट आउट की, लेकिन बटन्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि टच स्क्रीन है तो टच अच्छा होना चाहिए, ताकि ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना पड़ रहा है तो तब जाके वर्क कर रहा है। बाकी पावर का एक सिंगल ही बटन दे रखा है, कोई एक छोटा दो बटन अगर मैनुअली देते तो ज़्यादा अच्छा रहता टच के साथ, क्योंकि बैक करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कोई स्क्रीन में है नहीं। अब जैसे मैं दबा रहा हूँ तो देखिए कभी तो रिस्पॉन्स ये करता है, कभी ये रिस्पॉन्स नहीं करता है। देखिए अभी इस टाइम पे रिस्पॉन्स ये सही कर रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा सा हार्ड टच लेता है। चलिए दोस्तों मैंने इस प्रिंटर की पूरी ओवरऑल रिव्यू आप सबके लिए कर दी, और मेरे इस तरह के रिव्यूज़ और भी आते रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए।